हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास बहुत सारी YouTube कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यार, वीडियो को अंत तक देखते रहना है। आल्सो अगर तो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लेना, बिकॉज मैं ऐसे ही आप लोग के लिए रेगुलरली न्यूज लाता रहता हूँ। नाउ बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो फाइनली भाई कैरी मिनाटी की न्यू पैरोडी वीडियो यार आ चुकी है उनके चैनल के बारे में, जो कि यार मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर पैरोडी वीडियो है। अब इस वाली वीडियो में उन्होंने मोस्टली दो तीन लोगों का यार पैरोडी बनाया था, जैसे कि बियर बाइसेप्स का, सदगुरु का, संदीप महेश्वरी का, एंड ऑल्सो यार अंकित दयापुरिया का। इन सारे लोगों का भाई उन्होंने काफी क्रेजी लेवल पे पैरोडी बनाया था, एंड सेम टू सेम भाई वैसा ही था लोगों को यार कैरी मिनाटी की ये वाली वीडियो जो है, जो न्यू वीडियो आई है वो बहुत ज्यादा पसंद भी आई है। इस चीज काफी सारे यूट्यूबर्स ने यार अपना अपना रिएक्शन दिया। सबसे पहले तो यार क्रेजी दीप ने एक ट्वीट किया था कैरी मिनाटी के इस न्यू पैरोडी वीडियो के रिलेटेड। वो कहते हैं, डूड हिज एक्टिंग स्किल्स आर इनसेन नाउअडेज, कैरी मिनाटी दिस इज इनसेन। इसके बाद में यार कुछ और भी यूट्यूबर्स ने रिएक्ट किया, जैसे कि यार जो थगेश हैं उन्होंने लिखा, लव दिस सो मच दीपक चार। लाइक आप लोगों को पता होगा दीपक चार जो है वो कैरी मिनाटी के मैनेजर हैं। उन्होंने कहा, सेट डिजाइंस फ्रेम्स एवरीथिंग वाज टॉप नॉच, कैरी मिनाटी इज जस्ट गेटिंग बेटर बाय ईच पासिंग वीडियोस, लविंग दिस न्यू पैरोडी वीडियोस। इसके बाद में एरमेंडगोनियन भी रिएक्ट करते हैं, उन्होंने कहा, एपिक वीडियो कैरी मिनाटी भाई। ऑल्सो यार रचित रूप यार उसी टाइम पे लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे कल अपने चैनल के ऊपर में, तो उन्होंने भी यार कैरी मिनाटी के इस न्यू यार पैरोडी वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया, एंड वो भी अपना रिएक्शन देते हैं। उनका क्या कुछ रिएक्शन था देखिए आप लोग। आई थिंक आई लाइक दिस वीडियो, लाइक पुराना जितना आई मीन मुझे पसंद आया ठीक है, बट जितना मेरे को लगता है कि ये जो 4 महीने पहले कैरी ने डाल दिया था ये डेली ब्लॉगर्स पैरोडी वाला, वो अलग ही चीज थी मेरे हिसाब से, वो कुछ ज्यादा ही अलग ही चीज थी। वो देखने के बाद भाई सब पागल हो गए थे, 7 out of 10, 4 out of 10 ठीक है। आई मीन आई विल से इफ मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से इट्स अ प्रीटी गुड 7 out of 10। लास्ट वाला वीडियो वॉज बहुत अच्छा ठीक है, उस उतना मजा नहीं आया इसमें, बट मजा आया, ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आया। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात कर लेते हैं GTA 6 के बारे में। अब जैसे कि भाई आप लोगों को पता ही होगा कि यार कि GTA 6 का जो ट्रेलर आने वाला है वो हमें यार बताया गया है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, बट भाई किसी को भी यार ये नहीं पता है कि किस डेट को देखने को मिलेगा। बट सबसे ज्यादा यार मोस्ट जो एक्सपेक्टेड डेट है वो यही है कि 6 दिसंबर को हमें देखने को मिलेगा भाई GTA 6 का ट्रेलर। क्या आप लोगों को भी यार लगता है कि 6 दिसंबर को हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं, अपने ओपिनियंस भाई मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात लेते हैं ट्रिगर इंसान के बारे में। अब जैसा कि आपको पता होगा कि रणबीर कपूर की नेक्स्ट मूवी एनिमल बहुत जल्दी आने वाली है, अप्रोक्सर शायद से वो 1 दिसंबर को आएगी, एंड अभी तो रिसेंटली यार उसका ट्रेलर भी लॉन्च किया गया है जो कि लोगों को यार बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो इसी यार ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करते हैं ट्रिगर इंसान, उन्होंने एक ट्वीट किया था एंड वो कहते हैं, एनिमल का ट्रेलर KGF 2 के बाद किसी मूवी के लिए इतने ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, #animal on 1st December। बाकी आप लोगों ने यार एनिमल मूवी का ट्रेलर देखा या फिर नहीं मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, एंड अगर देखा भाई आपके क्या कुछ रिएक्शन है कमेंट्स में भाई जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात कर लेते हैं बीस्ट पॉचुप के बारे में। तो भाई बीस्ट पॉचुप रिएक्ट करते हैं बाइक एंड कार्स के VIP नंबर के ऊपर। आप लोगों को यार पता ही होगा कि अभी के टाइम पे यार बाइक्स एंड कार के VIP नंबर यार काफी ज्यादा ट्रेंड में है, लोग यार इस चीज का काफी ज्यादा फ्लेक्स मारते हैं, एंड ऑल्सो ये नंबर्स काफी ज्यादा महंगे भी आते हैं क्योंकि वो यार जो व्हीकल नंबर होते हैं वो थोड़े से यार यूनिक होते हैं जो कि यार नॉर्मल लोगों के पास नहीं होते। तो ये जो यार VIP नंबर का कॉन्सेप्ट है ये बीस्ट पॉचुप के यार बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगता। उन्होंने इसके रिलेटेड एक ट्वीट किया, वो कहते हैं, आई नेवर अंडरस्टैंड the flex of unique numbers on cars. I mean you can try explaining but I just know I will never care about it. Even if I had way too much money I probably spend it on a something else rather than a buying 0001 for crores. Am I not normal? Basically यार बीस पॉचुप का यही कहना था कि ये जो यार VIP numbers वाला यार flex वगैरह होता है वो उनको बिल्कुल भी यार अच्छा नहीं लगता। अगर उनके पास यार बहुत ज्यादा पैसे होते भी तब भी यार वो ये 0001 या फिर यार जो भी यूनिक नंबर्स होते हैं उन पे यार वो बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करते, वो किसी और चीज पे स्पेंड करते। तो उनका यही कहना था कि उनको यार ये VIP वाला फ्लैग जो है वो काफी ज्यादा फालतू लगता है। तो बीस पॉचुप के इस यार ट्वीट के नीचे एक बंदे ने रिप्लाई किया, वो कहता है, भाई आपने ये जो ट्वीट किया है वो यूनिक नंबर को ही नोटिस करके ही आपने ट्वीट किया है, तो वो VIP नंबर जो होते हैं उसका यही काम होता है कि लोग उसको नोटिस करें। तो उस पे यार बीस पॉचुप उसी बंदे का रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं, ऑफ कोर्स यू डू नोटिस दिस थिंग्स व्हेन इट हैपेंस सो ऑफन अराउंड यू एंड ऑन दिस इनसेन लेवल ऑफ मनी, आई ट्वीटेड इट बिकॉज़ इट ब्लोज माय माइंड बिकॉज आई वुड नेवर। और बाकी आप लोग के क्या कुछ रिएक्शन है यार VIP नंबर्स के इस फ्लैक्स के ऊपर मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ,
पर बात कर लेते हैं रोनी के बारे में। तो भाई रोनी एक चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब लाइक हुआ क्या कि अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम रील पे ये वाली रील यार बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें यार लिटरली एक ब्रीड डॉग जो कि ग्रेट डेन है, मैं आपको बता दूं कि ग्रेट डेन एक बहुत ज्यादा यार पॉपुलर ब्रीड का डॉग है। तो लाइक होता क्या है कि एक यार ब्रीड वाला ग्रेट डेन डॉग, उसको भाई उसके मालिक ने घर से निकाल दिया था, एंड उसकी हालत यार आप लोग देख पा रहे, लिटरली यार इस डॉग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, आप लोग यार देख ही पा रहे। तो इस चीज पर रोनी ने अपना रिएक्शन दिया, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी को अपलोड किया, प्लीज डोंट डू दिस, गेट अ डॉग ओनली इफ यू कैन ट्रीट देम लाइक अ फैमिली, देयर लव इज अनकंडीशनल एंड सो शुड बी योर्स। बेसिकली यार रोनी का यही कहना था कि भाई ऐसा मत करो प्लीज, अगर आप एक डॉग को अच्छे तरीके से पाल नहीं सकते, रख नहीं सकते, तो भाई उसे अडॉप्ट करना बंद कर दो, उसे दुकान से लाना बंद कर दो, ये चीज काफी ज्यादा गलत है। आप लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है इस चीज पे, एंड भाई स्पेशली उस डॉग के मालिक के ऊपर, मेरे को भाई कमेंट्स में जरूर बताना। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात कर लेते हैं यस स्मार्ट पाई के बारे में। तो भाई यस स्मार्ट पाई भी एक चीज से भाई बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब लाइक हुआ क्या कि यस स्मार्ट पाई ने यार कल अपने स्मार्ट पाई शॉर्ट्स वाले चैनल के ऊपर में ये एक वीडियो को अपलोड किया। अब इस वीडियो में यार वो कुछ लोगों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो किस चीज पे खुश नहीं थे देखिए आप लोग। ऑलराइट, आई जस्ट वांट टू सेलिब्रेट दिवाली लाइक दिस। कैसे भैया, गाड़ी में जा रहे हैं दो बंदे। यू व्हाट, अरे भाई साहब, ये भाई ऐसे कौन सेलिब्रेट करता दिवाली यार। सीरियसली भाई, इन लोगों ने क्या किया, रॉकेट्स को टेढ़ा रख के सीधा फोड़ दिया इन लोगों के ऊपर यार। नहीं नहीं भाई, ये तो जानलेवा है भाई, ये जानलेवा चीज है, ऐसी हरकत हमें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा तो ध्यान दो, अरे पर यार किसी के आंख में लग जाता, किसी की आंख फूट जाती है, तो फिर मतलब क्या ही फायदा फिर दिवाली सेलिब्रेट करके यार। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के यार न्यू T20I सीरीज के बारे में। आप लोग को यार पता ही होगा कि कल से भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का न्यू यार T20I सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसके पहले मैच को भाई इंडिया ने खतरनाक लेवल पे जीत लिया। लाइक होता क्या है कि सबसे पहले यार ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किए थे 208 रन, उसको भाई इंडिया ने चेज कर लिया, एकदम लास्ट बॉल तक ये गेम गया था। एंड स्पेशली यार ये जो रनचेस था इंडिया का, वो T20 के अंदर हाईएस्ट रनचेस था, आप लोग देख पा रहोगे। एंड इस मैच में लिटरली जो सूर्य कुमार यादव हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, 48 बॉल्स पे भाई 80 रन स्कोर किए थे, एंड लास्ट वाले बॉल पे भाई एक रन चाहिए था, एंड उसको रिंकू सिंह ने यार फिनिश किया था 6 मार के, जो कि यार बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था दिखने में, बिकॉज भाई अभी पता होगा हम लोग का भाई दिल टूटा हुआ पड़ा है, डिप्रेशन में हम लोग वर्ल्ड कप हारने के बाद में, बट फिर भी यार अच्छा हमें पारी देखने को मिला। सूर्य कुमार यादव ने भी बहुत बढ़िया खेला, पूरी इंडियन टीम ने भी काफी बढ़िया खेला, एंड स्पेशली रिंकू सिंह ने बहुत बढ़िया फिनिश किया। एंड आप लोगों को तो भाई रिंकू सिंह के बारे में पता ही होगा, उन्होंने यार कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यार आईपीएल में 5 छक्के मारे थे 5 बॉल्स पे, वही वाला प्लेयर है भाई रिंकू सिंह। एंड लिटरली यार रिंकू सिंह जब यार क्रीज पे होता है, स्ट्राइक पे होता है, तो भाई ऐसा लगता है कि ये बंदा भाई 6 बॉल पे 6 छक्के भी मार सकता है। तो उसे खतरनाक इनिंग के ऊपर यार सूर्य कुमार यादव कॉन्फ्रेंस में यार रिएक्ट भी करते हैं रिंकू सिंह के इस इनिंग के ऊपर। उन्होंने कहा, आई वॉज हैप्पी टू सी रिंकू सिंह, ही इज सो काम एंड कंपोज्ड इन द मिडिल ओवर्स, व्हिच हेल्प्स अस इन द ड्रेसिंग रूम एज वेल। बेसिकली यार सूर्य कुमार यादव ने भी यार काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया रिंकू सिंह को। अब मैं तो यार पर्सनली खुद भी चाहता हूं यार कि इंडियन टीम में रिंकू सिंह की भाई अच्छे से प्लेस मिले, भाई किसी भी प्लेयर को निकालो बट रिंकू सिंह भाई अंदर आना चाहिए। आप लोग का रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस कैसी लगती है, एंड स्पेशली वो एज अ फिनिशर आपको कैसे लगते हैं, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात कर लेते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो आप लोग को पता होगा कि अभी के टाइम पे भाई टोटल गेमिंग के फेस रिवील का काफी ज्यादा हाइप बना हुआ है, भाई लिटरली उनके 40 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बट अभी तक उन्होंने अपना फेस रिवील नहीं किया हुआ है। तो क्या भाई टोटल गेमिंग के फेस रिवील का डेट कंफर्म हो चुका है? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो अभी रिसेंटली यार डीसी गेमर जब अपने चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो उन्होंने भाई रिवील किया कि टोटल गेमिंग अपना फेस रिवील कब करेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा देखिए आप लोग। अजय भाई फेस रिवील कब करेंगे? इस साल करेंगे बोल रहे थे, अगर इस साल अजय सच में करेंगे तो बहुत कम समय है, 50-60 दिन ही बचा है, नहीं 50 दिन नहीं 45 डेज ही बचा है। अगर अजय करेंगे तो शायद से पहले हिंट तो देंगे, बट अजय करेंगे इतना पता है मुझे, बट इस साल बहुत जल्दी अजय का फेस्टिवल हो जाएगा। अजय ने मुझे खुद बोला था इस साल बोल के, आईपीएल चला गया, वर्ल्ड कप चला गया, अब फाइनल है। टोटल गेमिंग के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो यार नेक्स्ट न्यूज भी टोटल गेमिंग एंड खतरनाक ईशान के रिलेटेड है। तो कल यार टोटल गेमिंग एंड खतरनाक ईशान, स्पेशली यार खतरनाक ईशान ने अपने चैनल के ऊपर में ये एक वीडियो को अपलोड किया था, जो कि यार लकी ब्लॉक वाली वीडियो थी। अब इस वीडियो में यार टोटल गेमिंग एंड खतरनाक ईशान दोनों ही लोग यार गए हुए थे हीरो ब्रांड असेंबली के अंदर। अब वो कोई यार हीरो ब्रांड असेंबली का रियल वर्ल्ड नहीं था, रियल सर्वर नहीं था, वो एक हीरो ब्रांड असेंबली का मैप था, जो कि भाई एज इट इज हीरो ब्रांड असेंबली की तरह लगता है। अब उसके अंदर जाने के बाद में यार खतरनाक ईशान एंड टोटल गेमिंग का क्या कुछ रिएक्शन था देखिए आप लोग। वापस एक बार हम लोग आ गए हैं जीरो ब्लाइंड एसएमपी के अंदर। भाई
ये बोलते हुए थोड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि पहले बहुत खुशी होती थी ये बोलते समय, बट आज अपने पास एक्चुअल वाला हीरो ब्रांड एसएमपी नहीं है, ये एक हीरो ब्रांड एसएमपी का मैप है जिसमें भरे पड़े लकी ब्लॉक्स अलग अलग टाइप के, लेकिन इसमें अकेले खेलने में मजा ना आएगा, इसलिए मैंने बुला लिया है अज्जू भाई को। क्यों अज्जू भाई, कैसे हो ईशान भाई, क्या हाल चाल, कहाँ पे आओ, देखो जरा पीछे देखो भाई, यार मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा, सब ब्लैक ब्लैक है। अरे पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे। ओ भाई, यहाँ पे मैंने टावर तोड़ा था। क्या बोलते हो? हाँ, मैंने ये वाला टावर तोड़वाया था सर जी, उसके बाद ये बड़ा टावर बना था। ओए भाई, मेरी स्वॉर्ड वहाँ पे देखो, तलवार कहाँ पे? एंड खतरनाक जान की इस वीडियो के नीचे यार वही एज यूजुअल काफी सारे लोग यार यही कह रहे थे कि भाई हीरो बनेसंपी को दोबारा से प्लीज स्टार्ट कर दो, हमें दोबारा से भाई हीरो बनेसंपी को साथ में देखना है, एंड हीरो बनेसंपी के मेंबर्स को भाई एकदम साथ में देखना है। एंड इसी कमेंट्स में यार पिंड कमेंट में भी खतरनाक जान ने लिखा पुरानी यादें, आप लोग का क्या कुछ रिएक्शन है यार कमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं गेमर फ्लीट के बारे में। अब मैंने यार आप लोग को कल वाली न्यूज में बताया था कि गेमर फ्लीट अभी के टाइम पर शायद से अंशुवर्स की वीडियो को शूट करने के लिए गए हुए हैं कहीं पे। और मैंने यार आप लोगों को कल गेमर फ्लीट की एक इंस्टा की स्टोरी भी दिखाई थी, जिसमें यार वो आप लोगों से पूछ भी रहे थे कि गेस करो मैं कहां पे हूं, तो उस वाली स्टोरी को यार देख के आप लोग कमेंट्स में यही गेस कर रहे थे कि भाई जो गेमर फ्लीट है वो नेपाल गए हुए हैं, बट नहीं यार वो नेपाल नहीं गए हुए थे, उन्होंने इस चीज को कंफर्म कर दिया एंड वो गए हुए हैं भाई अभी दुबई। आप लोग यार कुछ इमेजेस को भी देख पा रहोगे, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे शेयर किया, आप लोग का क्या कुछ रिएक्शन है भाई ये चीज को जानने के बाद में मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं टॉमी यूनिट के बारे में। तो भाई टॉमी यूनिट जो है वो लाइव स्ट्रीम्स के रिलेटेड बात करते हुए एक काफी इंपॉर्टेंट सी चीज को शेयर करते हैं। उन्होंने कहा, हे गाइस, इफ आई वाज गोइंग टू स्ट्रीम अ लॉट मोर इन डिसेंबर, व्हाट काइंड ऑफ स्टफ्स वुड यू वांट टू सी, व्हाट आर द आइडियल स्ट्रीम्स इवन थ्रोबैक स्टफ्स टू। बेसिकली यार टॉमी यूनिट जो है वो डिसंबर मंथ में यार काफी सारी लाइव स्ट्रीम्स करने का प्लान कर रहे हैं, तो वही यार आप लोगों से वो सजेशंस मांग रहे हैं कि आपके हिसाब से भाई उनको दिसंबर में किस टाइप की लाइव स्ट्रीम, किस टॉपिक पे लाइव स्ट्रीम उनको करनी चाहिए। तो आप लोग यार अगर चाहते हो तो आप लोग उनके सोशल हैंडल पे जाके बता सकते हो। तो चलो यार बस अभी के लिए इतनी न्यूज़ थी ना, कि जो भी न्यूज़ मिलेगी यार मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। न्यूज़ सबमिशन की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप लोग वहां पर जाकर कुछ न्यूज़ को सबमिट करोगे तो डेफिनेटली यार गाइस मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दूंगा। एंड मैं मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।